नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोइलवर के 6 लेन के दूसरे लेन के उद्घाटन की खबर से। अब इससे सिर्फ आरा और पटना के बीच महज 1 घंटे की दूरी तय होगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समस्त बिहारवासियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए के साथ। शाहबाद और पूर्वांचल समेत अन्य जिलों और राज्यों को बिहार की राजधानी पटना से जोड़ने वाला नया कोइलवर 6 लेन पुल बनकर तैयार हो गया है। आज इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उद्घाटन के दौरान स्थानीय सांसद और ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह कोइलवर में आयोजित उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। जी हाँ, 158 साल बाद सोन नदी पर नया पुल बना। कोइलवर में नवनिर्मित 6 लेन सड़क पुल से आरा शहर की किस्मत बदल जाएगी। अब्दुल बारी पुल और इससे संबंधित आरा पटना NH-30 आरा छपरा गंगा पुल रोड समेत अन्य लिंक रोड पर भी जाम से राहत मिलेगी। 1.5 किलोमीटर लंबे इस पुल में कुल 74 स्पेन है जो पुल को पूरी तरह मजबूत रखेंगे। पुराने अब्दुल बारी पुल से करीब 500 मीटर उत्तर की ओर ये नया पुल बनाया गया है। सोन नदी पर अंग्रेजों ने पुल बनाया था। अब्दुल बारी या कोइलवर पुल के ऊपरी लेन से अब तक रेलगाड़ियां गुजरती हैं। इसी पुल के नीचे 4 पहिया वाहन भी चलते हैं। इस पुल की लंबाई 1440 मीटर है। सोन नदी पर बने पुराने अब्दुल बारी पुल के निर्माण में 5683 टन लोहा लगा है जबकि नए पुल की लंबाई 1528 मीटर है। पुल के 1 लेन का उद्घाटन 2 साल पहले हुआ था। पुल की लागत 266 करोड़ बताई जा रही है। इस सड़क पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास 27 जुलाई 2017 को केंद्रीय मंत्री और आरा सांसद आर के सिंह ने किया था। उस समय शिलान्यास कार्यक्रम सोन नदी के पूर्वी तट पर पटना जिले के परेव में हुआ था। इस 6 लेन सड़क पुल निर्माण में 5 वर्ष का समय लगा। देसवा न्यूज के लिए भोजपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। सुनिए ना, प्रणाम। सीएम नीतीश के आंखों में आंखें डालकर एक बच्चा बोला, फिर उसने सूबे में शराबबंदी और शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। इस रिपोर्ट में देखिए पोल खोलने वाला यह बच्चा आखिर है कौन। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होता। हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। खेल कूद की इस उम्र में जिम्मेदारी का बोझ और जिम्मेदारी से आया आत्मविश्वास ही है कि ये छोटा बच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही अपनी समस्या कुछ इस अंदाज में रखा। सर सुनिए ना, सर सुना जा सर, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। लंबी दूरी तय कर पहुंचे सोनू कुमार ने मुख्यमंत्री के सामने दिखाई सच बोलने की हिम्मत, शिक्षा और शराबबंदी की पोल खोल दी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण बिघा पहुंचे थे। इस दौरान वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण बिघा में लोगों की समस्या सुन रहे थे। इसी दौरान अपनी समस्या लेकर 11 साल का सोनू भी पहुंच गया। बच्चे के जन संवाद में पहुंचते ही मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सोनू हरनौत प्रखंड के नीमा कौल गांव का रहने वाला है। पिता रणविजय यादव दही की दुकान चलाकर घर चलाते हैं। सोनू ने बताया कि उसके पिताजी जो दही बेचकर पैसा कमाते हैं उससे वो शराब पी जाते हैं। साथ ही कहा कि वो नीमा कौल मध्य विद्यालय में पढ़ता है और वहां के शिक्षक गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं देते हैं। बच्चे ने सीएम नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डालकर शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी को असफल बताया।
बच्चे ने कहा, अगर सरकार से उसे मदद मिले तो वो भी पढ़कर आईएएस बनेगा। और ये अभी मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहते हैं रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसने हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे पासवान नगर चौहरमल बाबा। तो सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है, वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब वराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। तो तुम्हारी बात हुई सीएम साहब से? यस। क्या आप सर क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ, एडमिशन बोले कि करवा देंगे। सोनू की काबिलियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो खुद छठी कक्षा में पढ़ता है और पांचवी के 40 बच्चों को ट्यूशन देता है, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा निकलता है। छोटे से बच्चे के हिम्मत देखकर अधिकारी से लेकर नेता तक दंग रह गए। वाकई पैडल मारकर जिंदगी जीने की सीख कोई इनसे सीखे। देशवा न्यूज के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट। दिल्ली के मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के 3 मंजिला भवन में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे में महिला समेत 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग झुलस गए। सभी घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। देर रात तक दमकल की 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी। शनिवार सुबह तक आग जरूर बुझ गई लेकिन राहत और बचाव कार्य दोपहर के बाद तक चलता रहा। कई लोगों के लापता होने के चलते परिजन उनकी तलाश कर रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि हमें 27 शव मिले। सभी शव बुरी तरह से जले हुए थे। इसमें अब तक 7 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। लोगों के रिश्तेदार अब भी पहचान के लिए आ रहे हैं। कम से कम 7 परिवार अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। जिन शवों की पहचान नहीं हो पा रही है या जिनकी पहचान हो रही है उनका DNA सैंपल लिया जाएगा। एक शव को 4 रिश्तेदारों के आधार पर पहचाना जाएगा। हम कुछ और परिवारों के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में बिहार की 3 महिलाएं भी लापता बताई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले के घरवार की मधु, गया जिले की गीता देवी और सहरसा जिले की सुगमा गांव की सोनी का अब तक पता नहीं चल पाया है। पटना विश्वेश्वरैया भवन में अगलगी घटना की जांच के लिए टीम गठित की गई है। टीम आग कैसे लगी इस बात का पता लगाएगी। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जांच के बाद 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख राकेश कुमार को जांच टीम का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मुख्य अभियंता असीम कुमार और वरुण कुमार सिंह, उप सचिव चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता उमेश कुमार मंडल और विपिन कुमार सदस्य बनाए गए हैं। यह टीम 1 सप्ताह तक अध्ययन करेगी, इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेगी। यह आदेश भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने जारी किया है। आपको बता दें 11 मई को विश्वेश्वरैया भवन के 5वें और 6ठे तले पर आग लगी थी। आग की वजह से सरकार को काफी नुकसान हुआ है। बताते चले कि ग्रामीण कार्य विभाग में आग की घटना से काफी नुकसान हुआ है। महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजात जलकर खाक हो गए। राजधानी पटना में शनिवार को कई जगहों पर छात्र और अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों ने बवाल मचाया। कॉलेज गेट से लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय तक तिरंगा यात्रा निकाला। इस दौरान जमकर बवाल मचाया, अगजनी की।
सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में धांधली का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स चौराहे पर सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। जॉब की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए, सिर पर काले रंग की पट्टी बांध खड़े हो गए। सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला फूका। इस दौरान कई अभ्यर्थी बेहोश भी हो गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक नौकरी नहीं तब तक वे लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से लगातार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब आप गूगल की सहायता से मैथिली और भोजपुरी में भी ट्रांसलेट कर पाएंगे। 24 भाषाओं को गूगल ट्रांसलेशन से जोड़ने के ऐलान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। भोजपुरी भाषी लोगों की लाख मांग के बावजूद भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली, लेकिन गूगल ने इसकी ताकत को पहचान लिया। गूगल ने अब अन्य भाषाओं की तरह भोजपुरी और मैथिली में ट्रांसलेट करने का निर्णय लिया है। इससे भोजपुरी क्षेत्र के लोगों में हर्ष व्याप्त है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने 11 मई को 24 नई भाषाओं को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ने का ऐलान किया। जिन भारतीय भाषाओं में फिलहाल ये सुविधा शुरू की गई है उनमें मीजो भाषा का लोग सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। 8 करोड़ से अधिक लोग मीजो भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर भोजपुरी का है, करीब 5 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। भोजपुरी भारत के अलावा नेपाल और फिजी में बोली जाती है। बिहार के मिथिलांचल इलाके में बोली जाने वाली मैथिली करीब 4 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। गूगल का दावा है कि यहां पूरी तरीके से सही अनुवाद मिलेगा। रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए गूगल ने मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे बिना किसी गलती के सटीक ट्रांसलेशन मौजूद हो सके। सुंदर पिचाई की माने तो अभी तक अंग्रेजी के फ्रेज को हिंदी में ट्रांसलेशन करने पर उसका अर्थ बिगड़ जाता था, लेकिन मशीन लर्निंग की मदद से इसे दूर किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देसवा न्यूज। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।